हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का स्वागत है बैट गेमर चैनल पे। आज हम लोग बताने वाले हैं कि आप लोग का आईडी अगर लॉगिन है किसी बंदे का पास, या फिर किसी बंदे ने आप लोग को पासपोर्ट चेंज कर दिया, तो इसका रिकवरी किस तरह से करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, जिससे आप लोग को पता चल जाए कि कोई भी बंदा आप लोग का आईडी अगर लॉगिन करके रखा है तो आप लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा आप लोग का फोन पे। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है मैं सारी चीजें बता दूंगा वीडियो पे, और वीडियो को एक लाइक कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ऐसे वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूं। और कमेंट कीजिएगा किस तरह का वीडियो और आप लोग को चाहिए बोलकर। ठीक है, मुझे बोला जो कि भाई मेरा आईडी लॉगिन करता है दूसरा बंदा, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला जो आप लोग को देख सकते हैं। मैं देखा था तो ये वाला तो आप लोग देख सकते हैं, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देता हूँ तो आप लोग के लिए हेल्प होगा। कोई कोई बंदा, बहुत सारे बंदे का ऐसा होता है, मुझे पता है मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने किस तरह से रिकवरी किया वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ वीडियो पे। और चलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले हुए चलते हैं। पहले सबसे पहले किस चीज़ से लॉगिन होता है, फेसबुक से। तो आप लोग को जाना है कहाँ पे, फेसबुक पे। सबसे पहले आप लोग जाइएगा फेसबुक के आईडी पे। आईडी पे जाने के बाद आप लोग को सेटिंग में जाना है। ठीक है, तो सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन, पोस्ट, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए। सिक्योरिटी का जहाँ पे है उसमें जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। तो इसमें जाके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जाके कि कौन कौन सा डिवाइस पे। पहले सबसे पहले करना क्या है मैं पहले ये बता दूँ आप लोग को, सबसे पहले पासपोर्ट को चेंज करना है, क्योंकि आप लोग का पासपोर्ट दूसरे बंदे को पता है। इसका वजह से क्या होता है कि वो बंदा लॉगिन कर लेता है, ठीक है, सेव करके रखा है। तो आप लोग इसको चेंज करना है सबसे पहले। नंबर होता है भाई किसी, सब सारे बंदे का नंबर होता है, तो आप लोग को पासपोर्ट को चेंज करना है सबसे पहले। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, आप लोग जो ओल्ड पासपोर्ट है उसको पहले मारिएगा, फिर यहाँ पे न्यू पासपोर्ट सेट कीजिए। सिर्फ पासपोर्ट किस तरह से सेट करेंगे मैं बता देता हूँ। किसी का डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ तो पता होगा, दूसरे का, जैसे कि आप लोग पिताजी का या फिर मम्मी का, किसी का भी रेंडमली कुछ ऐसा पासपोर्ट रखिएगा यूनिक हो, ताकि कोई बंदा पता ना चले किसी को। इस तरह से आप लोग को पासपोर्ट को सेट करना, ताकि आप लोग को पासपोर्ट अगर आपका लॉगिन करता है तो आप लोग को लॉगिन करने से भी कुछ नहीं होगा। आप लोग को पासपोर्ट अगर डेट ऑफ बर्थ होता है तो बंदे लोग, ज़्यादातर बंदा को पता है कि उसका ही डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, तो ट्राई कर लेता है तो आप लोग का आईडी के लिए। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को यूनिक सा कुछ रखना है ताकि आप लोग याद रहे, फिर भुला जाएंगे तो नहीं होगा भाई, याद रहना चाहिए ताकि आप लोग को फिर से प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग को सबसे पहले पासपोर्ट को सेट करना है। ठीक है, देखिए मैं किस तरह से यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, सेट कर यहाँ पे किस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, लॉगिन हो गया, उसके बाद यहीं पे दिखा देगा आप लोग को, देखिए रिव्यू आफ्टर डिवाइस, मतलब आप लोग जब इसको लॉगिन करते हैं तो इस पर क्लिक करने से ऑल डिवाइस से क्लीन हो जाएगा रिव्यू। ठीक है, मतलब ऑल डाटा यहाँ पे देख सकते हैं, लॉग आउट ऑल सीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लॉग आउट टू ऑल सीन पे मारेंगे तो सारे डिवाइस, जितना भी डिवाइस है सारे डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा, और आपका पासवर्ड मांगेगा, जिसके भी पास में होगा उससे पासवर्ड मांगेगा। तो आप लोग को यहाँ से करना है, या फिर यहाँ से नहीं होता है तो आप लोग बैक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यू आर लॉग इट इन, यहाँ पे जाना है। आप लोग को जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम है, लॉग आउट टू ऑल पे कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए मैं क्लीन कर चुका हूँ, यहाँ पे मेरा वन डिवाइस पे मेरा ओप्पो का रियलमी U1 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेट नाउ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एक्टिवेट नाउ है, तो मतलब मेरा इसी फ़ोन में है और किसी भी फ़ोन में नहीं होगा। तो पासपोर्ट को सबसे पहले चेंज करना है आप लोग को, चेंज करने के बाद ही आप लोग को कुछ भी सेटिंग वगैरह करना है, क्योंकि देखिए पासपोर्ट नहीं चेंज करेंगे क्या होता है, जो आप लोग का लॉगिन करता है दूसरा कोई तो फिर से मिल जाता है, लॉगिन कर लेगा पासपोर्ट और उनका पास मतलब सेव हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कीजिएगा ताकि पूरा डाटा ही क्लीन कर ले उसका फ़ोन से, आपका फ़ोन में तो रहेगा ही। ठीक है, और यहाँ पे अलर्ट वाला एक सिस्टम है, इसको इनेबल कर लीजिएगा। देखिए गेट अलर्ट ये वाला आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन से लगा सकते हैं, मैसेज बॉक्स से, तो आप लोग बेस्ट होता है जीमेल से, तो आप लोग जीमेल को ऑन कीजिएगा, और जीमेल को ऑन करने के बाद अपना जीमेल दीजिएगा। यहाँ पे देखिए गेट माय जीमेल, ठीक है, यहाँ पे मेरा जीमेल लग गया है लॉगिन अलर्ट। यहाँ पे अगर कोई भी बंदा मेरा जीमेल से मेरा आईडी को लॉगिन करता है तो क्या होगा, तो मेरा जीमेल पे मेल आ जाएगा कि आपका आईडी लॉगिन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपना गेम की आईडी को सेफ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है, जो जो चीज़ें मैं बताया हूँ इसको कर लीजिएगा तो आप लोग को पूरा सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो पे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, लाइक करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिले। आप लोग बोलने से ही मैं इस वीडियो को लाया हूँ, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो पर, टाटा बाय बाय, सी यू सून।